बिहार में शराबबंदी का मजाक, नशे में नामांकन करने पहुंचा प्रत्याशी। नॉमिनेशन के आखिरी दिन पर्चा भरने आए एक उम्मीदवार ने सुशासन की शराबबंदी की पोल तब खोलकर रख दी जब शराब के नशे में ही पर्चा दाखिल करने निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर चला गया। नसरी उम्मीदवार का नाम राजीव कुमार बताया जा रहा है, जो नवगछिया के नगरा इलाके का रहने वाला है। एल्कोहलिक जांच के बाद शराब की मात्रा 117.6 पाई गई है। जैसे ही इस बात की भनक जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी को लगी, सांसद बनने का ख्वाब लिए शराबी प्रत्याशी को हिरासत में ले लिया गया। बताया जाता है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उम्मीदवार के नशे में धुत होने की भनक तब लगी थी जब वह अजीब सी हरकतें करने लगा, जिसके बाद डीएम का शक यकीन में बदल गया। मीडिया कर्मियों ने जब राजीव कुमार सिंह से सवाल किए तो उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जो राजीव कुमार सिंह उम्मीदवार थे, जो नॉमिनेशन करने आए थे नामांकन करने, तो उनको उनके शक, हम लोगों के शक के आधार पर उनको उनकी जांच की है ब्रेथलाइजर से, जिसमें 117.6 आया है रीडिंग, तो फिर उसको तो उसका नॉमिनेशन सर कैंसिल हो गया। अब ये अब जो भी होगा नियम के अनुरूप होगा, तो वो अब जेल जाएंगे, वो सारी कार्रवाई नियम के अनुरूप। जहां सरकार लगातार शराबबंदी पर अपनी पीठ थपथपाने में लगी है, वहीं नामांकन करने पहुंचे उम्मीदवार ने शराबबंदी की पोल खोलकर रख दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि उम्मीदवार के पास शराब कैसे मुहैया हो गई।